ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ ਚਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ 32ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। इस दौरान गर्म ख्याली सिख जथेबंदियों ने सरबत खालसा वालों थापे जनेदारा की सरगर्मी वेखद्या प्रशासन खास तौर पर अलर्ट है। दरबार साहब विखे किसी भी तरह के टकराव रोकने इस बार खास तौर पर तैयारी की गई है। हाल गेट नेड़े सीसीटीवी कैमरे लाए गए हैं ताजो हर आने जाने वाले श्रद्धालु से नजर रखी जा सके। 3 जून दल खालसा वालों किए रोस मुजाहरे के ऐलान तो पहला ही पूरे शहर च सुरक्षा वधा दी गई थी। इस दरमियान कल दल खालसा वालों बंद के सद्दे के मद्देनजर पुलिस खास तौर पर चौकस है। शहर की सुरक्षा मद्देनज़र रखते हुए साढ़े वालों एक उपराला किया गया वक् वक् एन जी ओज या अदर लोगों सेवावान लैके असी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए ये कैमरे लाए ताकि क्राइम को किसी तरह की ठल पाई जा सके। 6 जून में हर बार बरसी मौके होंगे तनाव को वेखद प्रशासन इस बार जरा बदले हालात के मद्देनज़र कुछ ज़्यादा ही सुचेत है। सुरक्षा के नाल नाल सिख आगुआ की गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। सरबत खालसा वालों अकाल तख्त के थापे कार्यकारी जथेदार भाई ध्यान सिंह मन नज़रबंद करने तो बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गुरदीप सिंह बठिंडा हिरासत में लिया गया। राजन गोसाई जी मीडिया अमृतसर।